जंग के मोर्चे से नया वीडियो इस वक्त सामने आया है। इस वीडियो के क्या मायने हैं ये हम बताएंगे। इस वीडियो में वैगनर के लड़ाके रूस के रक्षा मंत्रालयों के प्रमुख पर भड़कते हुए नजर आए हैं। इस वीडियो में वैगनर लड़ाके बखमुत की लड़ाई को लेकर रूस की सेना से गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद कयास तो ये लग रहा है कि क्या पुतिन की सेना और वैगनर ग्रुप के बीच फूट पड़ चुकी है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या पुतिन को धोखा मिलने वाला है? क्या वैगनर छोड़ देंगे पुतिन का साथ? क्या वैगनर और पुतिन की सेना के बीच फूट पड़े? वैगनर ग्रुप यानी पुतिन की जानलेवा खूंखार और फाड़े के सैनिकों वाली आर्मी। इस ग्रुप के सदस्यों को लेकर दावा किया जाता है कि पुतिन के एक इशारे पर ये दुश्मन को मिट्टी में मिला देते हैं, शहर के शहर बारूद से भर देते हैं और बर्बादी की तस्वीरों से हर किसी को सहमा देते हैं। वैगनर ग्रुप का इतिहास क्रूर और खूंखार योद्धाओं वाला रहा है, लेकिन युद्ध के बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सवाल खड़े कर दिए कि क्या वैगनर ग्रुप के लड़ाके रूस की सेना से गुस्से में हैं? начальнику генерального штаба ты пидор и чёрт ёбаный нам нечем воевать у нас нет снарядов там парни гибнут за нас. इस वीडियो को लेकर दावा किया गया कि वैगनर के सैनिक रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रमुख पर भड़क गए। वीडियो को लेकर बताया गया कि वैगनर के लड़ाके बखमुत की लड़ाई से नाखुश थे। वो जेलेंस्की की सेना के खिलाफ लड़ तो रहे थे लेकिन शायद हथियारों की कमी से जूझ रहे थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या वैगनर लड़ाके युद्ध में पुतिन की सेना का साथ छोड़ देंगे। क्योंकि ये वही लड़ाके हैं जिन्हें पुतिन का लेफ्ट हैंड कहा जाता है। युद्ध में एक मोर्चा कादिरव के लड़ाकों ने संभाला तो दूसरा मोर्चा पुतिन की प्राइवेट आर्मी यानी वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने। लेकिन जंग के मोर्चे से आया नया वीडियो कुछ और ही कहानी बता रहा है। वैगनर ग्रुप वो ग्रुप है जिसकी स्थापना कथित तौर पर दिमित्री यूटकिन ने की थी। वो स्पेशल फोर्स में कर्नल था। उसके पास चेचनिया में हुए दो युद्धों का तजुर्बा था। दिमित्री एडॉल्फ हिटलर को अपना आदर्श मानता था। उसने हिटलर के पसंदीदा ओपेरा संगीतकार रिचर्ड वैगनर के नाम पर समूह का नाम रखा। माना जाता है कि समूह का मालिक येवगेनी प्रिगोजिन है। प्रिगोजिन को पुतिन का रसोईया भी कहा जाता है, लेकिन हकीकत में प्रिगोजिन पुतिन की किलर मशीन है। आज यूक्रेन में 50,000 वैगनर ग्रुप के लड़ाके मौजूद बताए जाते हैं। लेकिन जिस तरह से वैगनर के लड़ाके पुतिन की सेना से नाराज दिख रही है, ये खबर युद्ध के मोर्चे पर पुतिन को बड़ा झटका दे सकती है। अब तक दावा किया जा रहा था कि वैगनर पुतिन के एक इशारे पर दुश्मन को मिट्टी में मिला देते हैं, शहर के शहर चंद घंटों में बारूद से भर देते हैं। ऐसे में वैगनर ग्रुप और रूस की सेना के बीच में विवाद पुतिन को महायुद्ध के मैदान में नुकसान पहुंचा सकता है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त
को जो मिल रही है वो आपको बता दें, नए साल पर इटली यूक्रेन को बारूदी कवच देने वाला है। जी हां, दरअसल जेलेंस्की ने अपने एक बयान में दावा ये किया है कि उन्होंने इटली के प्रधानमंत्री से एयर डिफेंस सिस्टम की गुहार लगाई है जिसे जल्द ही पूरा भी किया जाएगा। दावा ये किया जा रहा है कि नए साल पर इटली यूक्रेन को तोहफे में आसमानी कवच दे सकता है। रूस की ताकत उसकी मिसाइल है। जंग में रूस के साथी देश से मिले ड्रोन ने यूक्रेन पर कहर बरसाया। मिसाइल और ड्रोन की वजह से ही पुतिन यूक्रेन की बुनियाद हिलाने में कामयाब भी हुए, लेकिन अब इटली यूक्रेन को एक ऐसा कवच देने वाला है जो रूस की मिसाइल, ड्रोन और एयरक्राफ्ट को हवा में ही तबाह कर देगा। इस कवच का नाम है ZAMP-T एयर डिफेंस सिस्टम। ZAMP-T एयर डिफेंस सिस्टम मिलने की खबरों ने रूस की सेना में खलबली मचा दी है। दरअसल पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि नए साल में इटली से यूक्रेन को ZAMP-T एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है। इस बात की पुष्टि खुद जेलेंस्की ने भी अपने बयान में की है। ZAMP-T एयर डिफेंस सिस्टम के आते ही रूस की मिसाइल कबाड़ की तरह गोदाम में पड़ी रह जाएंगी। इस ताकतवर सिस्टम को किसी भी शहर या बड़े इलाके को दुश्मन के हवाई हमलों से महफूज रखने के लिए ही तैयार किया गया है। इसकी इंटरसेप्टर मिसाइल अपने टारगेट को बड़ी आसानी से हवा में ही तबाह कर देती है। जेलेंस्की का दावा है कि इटली से जल्द उन्हें ये मदद मिलेगी। Мы заходим в наступний рік і маємо зберегти спільне розуміння наших національних цілей. Звичайно, це звільнення нашої землі від ворога. Також відновлення України, повернення наших людей додому, подальше зближення нашої держави з ключовими партнерами, відкриття нових можливостей для України у світі. Це все завдання на найближчий час, і не лише для держави, а для кожного і кожної з нас. Незабаром... जंग में रूस को ईरान से मिले शायद 136 ड्रोन ने यूक्रेन को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है। रूस के इस आत्मघाती ड्रोन से बचने के लिए यूक्रेन ने कई एयर डिफेंस सिस्टम को अपनी जमीन में तैनात कर रखा है। दावा किया जाता है कि इटली से मिलने वाला ZAMP-T एयर डिफेंस सिस्टम नीचे उड़ान भरने वाली क्रूज मिसाइल, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल को पल भर में नष्ट कर सकता है। ZAMP-T एयर डिफेंस सिस्टम का रेडार दुश्मन पर 360 डिग्री मतलब चारों दिशाओं से नजर रख सकता है। ZAMP-T से दागी गई इंटरसेप्टर मिसाइल करीब 5000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला करती है। ZAMP-T एयर डिफेंस सिस्टम बड़े एयरक्राफ्ट को 120 किलोमीटर की दूरी से ट्रैक कर सकता है। ZAMP-T मिसाइल और एंटी रेडिएशन मिसाइल को 15 किलोमीटर की दूरी से ट्रैक करके नष्ट कर सकता है। एक ZAMP-T में 4 लॉन्चर होते हैं। साल 2011 से इटली और फ्रांस में ZAMP-T तैनात है। इटली ZAMP-T सिस्टम जर्मनी और फ्रांस के साथ मिलकर बनाता है। इटली का एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को हवाई और मिसाइल से बचने के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच देगा। जेलेंस्की जानते हैं कि दुश्मन देश से यूक्रेन को बचाने का एक जरिया एयर डिफेंस सिस्टम है, इसलिए फिर चाहे अमेरिका हो या फ्रांस, हर साथी देश से वो एयर डिफेंस सिस्टम की मांग कर रहे हैं जो वक्त रहते पूरी भी हो रही है।